हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि संख्या पद्धति में हम लोग चर्चा पे पहुंचे थे टाइप 5 पे, और अभाज्य संख्या की बात हम लोग किए थे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। कितने अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभक्त हो जाए। और ये भी मैंने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। देखिए, अब पूछा जाता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी हो जाएगी, जरा बता दो। तो 101। और अगर आपसे पूछ दे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 99। बात समझ आ गई बच्चा? अब देखो, एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं आप कहेंगे 25। कितनी कहेंगे? 25। और एक से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या पंद्रह। तो बचा बच्चा 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 में से 10 15 घटा दो, बचा कितना? 10। ये तो छोटी छोटी बातें कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभक्त होती हैं। क्लियर हो गया बच्चा? पहली बात। दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 है। इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम भी है। इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक 25, तो 1 से 50 तक 15, तो 51 से लेकर 100 तक 10 छोटी अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई बार ये प्रश्न छोटी मोटी परीक्षाओं में और बड़ी परीक्षाओं में पिछले 2016-13-14 में ऐसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अब इस पर सवाल क्या आते हैं उसकी चर्चा में पिछली क्लास में आपसे थोड़ा सा किया था कि कोई भी संख्या हो बिना अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल से नहीं बनी है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको दो बातें बताई कि पहली बात तो 2 जो है एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है जिसका 2 से जो भी मल्टीपल होगा सबका कट जाता है, और 3 तो है ही, 4 आएगा तो 2 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इस पर सवाल करते हैं कैसे कैसे सवाल इस परीक्षाओं में बनते हैं इस पर। तो ये बेसिक रहा आपके जानकारी के लिए। अब चर्चा में लेता हूं। देखिए, समझिएगा बातों को। जैसे मैं कहूं 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड,
कितने अभाज्य खंड हैं? कितने अभाज्य खंड हैं? अब 1080 का आप फैक्टराइज आप कर सकते हो, कर लो 1080। तो देखो, दो पचे दस, दो चौका आठ जीरो, दो सत्ताईस चौवन जीरो, दो 135, तीन 45, तीन 15, तीन पचे 15 और पांच इक्का 5। तो आप देख रहे हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 कितने 7 अभाज्य खंड हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। तो 7 आंसर हो गया इस सवाल का। ये तो बेसिक सी बात रही कि आप ऐसा सीखे भी होंगे कई बार। जैसे दूसरा एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं, देखना कि मान लो अगर आपसे तुम पूछ दे 240 में कितने अभाज्य खंड हैं, कितने अभाज्य खंड है, कितने अभाज्य खंड है। तो 240 की मतलब है कि आप करेंगे तो 2 गुणा, देखो 120 बचा, फिर 60 बटा, फिर 2 बचा, फिर 60 में 30 बचा, फिर 2 बचा, 15 बचा, 3 बचा और 5 बच गया बच्चा। ये कर लोगे ऐसे ही, तो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 या 48 पंजे 240। तो कितने अभाज्य खंड हो गए, 3 इधर और 3 इधर, तो कुल संख्या हो गई 6। अभाज्य खंडों की संख्या हो गई कितना 6 और बात हो गया समाप्त। बोलिए, तो हाँ, उम्मीद करता हूं बच्चे ये बातें दो क्वेश्चन से आपको मैंने समझा लिया, समझाया तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ऐसा हो गया। क्लियर हो गई बात? बोलो, ठीक है। चलिए आप शुरुआत करते हैं कि इसके जब दूसरे टाइप में आप चलोगे तो कैसा प्रश्न बनता है। देख, या ए में लिख लेना, अब बी में लिखना, देखो कहता है जैसे मान लो 18 का पावर 142 में, एक बात मैं कर रहा हूं, 18 के पावर 142 में अभाज्य खंडों की संख्या होगी, अभाज्य खंडों की संख्या होगी। अब बच्चा 18 का आप गुणनखंड करो पहले। देखो 18 को क्या करोगे, 2 तेईस 6 और त्रिक 18, कितने गुणनखंड 3। 3 का गुणा किसमें करोगे, 142 में, जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य खंडों की संख्या वही से गुणा कर दो। तो 14 त्रिक 42 और 3 दुना 6, ये आपके सवाल का यानी 426 गुणनखंड होंगे। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आया होगा। एक सवाल और लेकर समझाता हूं। मान लो तुम्हें 17 का पावर 110 का 111 का अभाज्य खंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य खंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी। मान लो आपको यह बताना हो कि 17 का पावर 111 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी, तो क्या करोगे आप, केवल इस 17 का मल्टीपल एक ही होगा भाई, एक तो 17 ही होगा ना, एक गुणे 17 17 ही होगा एक, तो एक गुणा 111 यानी कितने हो जाएंगे 111। उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात भी आपको समझ में आई होगी। पहले हम अभाज्य खंडों की संख्या निकालेंगे, जो पावर होगा उसका उसमें हम मल्टीपल कर देंगे। हमारी बात हो गई क्लियर, पहली बात हो गई, पहली बात बेसिक सा हुआ, दूसरी बात थोड़ा सा पावर के रूप में हुआ, तीसरी बात हम करेंगे उसमें क्या चर्चा है ये समझिए।
तीसरी बात क्या है समझिएगा, अगर मैं बात यही 25 की पावर 140 गुणा 20 की पावर 121 गुणा 39 का पावर 113 में अभाज्य खंडों की संख्या होगी। अगर आपसे इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है अभाज्य खंड निकालने के लिए, तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए समझिएगा मेरी बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इस 25 को जब आप गुणनखंड करोगे तो 5 गुणे 5 मिलेगा, यानी 2 मिला। कितना मिला? 2 अभाज्य खंड मिले। तो 2 गुणा 140, वही काम मैंने कर दिया। यहां गुणे के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। अब बात दिमाग में अगर भाग होता तो चर्चा उसकी भी करेंगे, ठीक है। अब 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दुना 4 पचे 20, 2 दुना 4 पचे 20, तो कितने गुणनखंड हो गए? 3, 2 2 5 3 हो गए। तो 3 का गुणा हम 121 में करेंगे प्लस 39 का करना है तो 39 का करेंगे तो 3 गुणे 13 करेंगे, तो यहां भी 2 का गुणनखंड मिला, तो 2 गुणे 113 मैंने कर दिया, ठीक। अब देखिए ये हो गया 140 दुना 280 प्लस ये हो गया 12 तिहाई 36 363 प्लस यह हो गया 11 दुना 22 और 3 दुना 6। अब जोड़ दो बच्चा, 3 6 9 8 6 14 2 16 हाथ में आए 1 और 2 3 5 5 2 7 और 1 8, तो कितने गुणनखंड हो गए? 869। बोलो क्या बातें समझ में आई मेरी? छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ा प्रश्न बनता है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले केवल इतना था, 25 का पावर 140 था, तो 25 का जब हम गुणनखंड करते थे तो 2 मिला, भाई 5 5 मिलेगा ना, 5 5 25, उसका पावर 140 था तो गुणे 140 कर देते थे, तो पहले हमको 140 गुना 280 मिलता था। फिर अगर मुझे अकेले सवाल 20 का पावर 121 मिला होता तो 2 दुना 4 5 20 3 गुणनखंड होते और 3 का गुणा 121 में करता तो 363 हो जाता, ठीक है। फिर 39 का मिला तो 3 गुणे 13 होता है 2 होता है, 2 का मल्टीपल 113 में करेंगे तो 226 हो जाएगा, मानते हो बात को? अब लेकिन ये तीनों को इकट्ठे करके दे दिया तो यानी इस गुणे का मतलब यहां क्या हो गया? प्लस हो गया। और मैंने इनको 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 पूरे को जोड़ दिया तो मुझे पता चला कि इसके जो अभाज्य खंडों की संख्या होगी वह कितना होगी? 869 होगी। हाँ या ना? बोले बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब अगर इसको और फोल्ड करता इसी सवाल को, इस रूप को, तो क्या करता वो दूसरे सवाल में मैं समझाता हूं। देखिए अगर मान लीजिए इसी सवाल को, इसी सवाल की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको लिखता 5 का स्क्वायर का पावर 140 गुड़े, यहां कुछ नहीं है तो यहां 4 गुड़ा 5 करता, या 2 का स्क्वायर गुड़े 5 करता, 2 की स्क्वायर गुड़े 5 का पावर करता 121, ठीक है, गुड़े यहां क्या करता 3 गुड़ा 13 का पावर 113 कर देता, और सवाल में अभाज्य खंडों की संख्या पूछता, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 5 की 2 घात है यानी 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 गुणा 140 प्लस इसके 2 हैं और एक इसके 3, 3 गुणा 121 प्लस यहां 2 ही हैं तो 2 गुणा 113 हो जाता, और जब इसको आप जोड़ रहे होते फिर से तो 869 होता। तो बात समझ पाए?
तो सवाल इस तरीके से भी फोल्ड कर सकता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और सवाल अगर इस तरीके से दिया है तब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहां तो इसने कह दिया है दो है, यहां दो है, इसकी पावर एक, यानी दो एक तीन हो गई, यहां तो एक एक ही है, तो एक एक ही है। देखिए क्लियर हो गया, कर लोगे, चले आगे। ठीक, अब ए बी सी टाइप मैंने आपको बताया, अब आपको मैं डी वाला पे चर्चा करता हूं। ध्यान समझिएगा इस बात को बच्चे, इस बात को समझने के लिए दो क्राइटेरिया मैं आपको समझाऊंगा। दोनों प्रश्न के स्तर बड़े अच्छे होते हैं, उसको आपको समझना है और स्वीकारना है कि इस बात को करते। कभी कभी तो ये सवाल देखो इस टाइप से दिया जाएगा कि मान लो 20 का पावर 110 गुणा 15 का पावर 170 गुणा 18 का पावर 10 है, बस इतना दे देता हूं, बटे आपसे कह देगा, आपसे क्या कहेगा इस बात को समझिएगा कि 17 का पावर 110 गुणे 16 का पावर 40 गुणे 13 का पावर 20 में अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य खंडों की संख्या क्या होगी। बात को समझिएगा बच्चे, तो अब जो 20 है उसका तो गुणनखंड करोगे दो दो पांच, दो दूना चार पचे बीस, तो तीन हुआ ना, तो तीन का गुणा 110 में, तीन का गुणा 110 में गुणे के लिए क्या करेंगे प्लस, 15 का करोगे तो तीन पचे 15 कितने दो, दो का गुणा 170 में प्लस, जब 18 का करोगे तो दो तियाई छ तिरिक 18, दो तियाई छ तिरिक 18 तो तीन हुए, तीन का गुणा 10 में, तीन का गुणा 10 में, अरे बोलो 18 का करोगे तो दो तियाई छ तिरिक 18, दो तियाई छ तिरिक 18 कितने हुए, तीन ही हुए ना। अब डिवाइड के लिए आप यहां क्या लगाते हो, माइनस, डिवाइड के लिए क्या लगाओगे माइनस। देखो भाई गुणे के लिए अभी तक हम लोगों ने प्लस लगाया, गुणे के लिए हम लोगों ने क्या लगाया प्लस लगाया, अब भाग के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं माइनस लगा रहे हैं। 17 का आप गुणनखंड करेंगे तो एक गुणे 110 प्लस, 16 का करेंगे तो दो दुना चार दुना आठ दुना 16, चार गुणनखंड हुए तो चार का गुणा आप किससे करोगे 40 से, क्लियर हुआ प्लस, 13 का गुणनखंड करेंगे एक गुणा 20, एक गुणे 20 से ठीक। अब देखिए कितना करेंगे, तीन का गुणा 110 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 330 प्लस, 170 का दो से करेंगे तो 340 प्लस 10 30, खत्म बात। यहां पर आ जाइए तो क्या करेंगे 110 प्लस 40 चौका 160 और प्लस 10 दुना 20, क्लियर हो गया। अब जोड़ दो 0 0 0 जोड़ दो, 4 4 3 7 3 10 और 3 3 6 1 7 माइनस, इसको भी जोड़ दो तो 0 0 0 हो गया बच्चा, 6 1 7 2 9 हो गया और 1 1 2 हो गया तो 290 हो गया। अब घटा दो तो 0 1 और 4 तो 410 इस सवाल का क्या हो गया उत्तर, ठीक हो गई बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसी टाइप को पहले इसको समझ लो, देखो एक बार दोहरा देता हूं,
20 का जो गुणनखंड आप करोगे, दो दुना चार पचे 20, तीन गुणनखंड, तीन का गुणा 110 में 330, तीन पचे 15, दो 17 दुना 34, 340, तीन दो तिहाई 6 त्रिक 18, 10 तिहाई 30, जोड़ दिया तो आ गया 7। अरे भाई तीन तीन 6, 670 हो गया, 30 700 हो गया। अब डिवाइड के लिए आप माइनस लगाते हो, ये पता ही है। तो 70 का जब 17 का करोगे तो गुणनखंड एक होगा, एक का गुणा 110 में करोगे तो 110 ही रहेगा। 16 का करोगे तो दो दुना चार दुना आठ दुना 16 होगा, चार गुणनखंड होंगे, चार चौका 16 160 होगा। 13 का आप गुणनखंड करेंगे तो एक होगा, एक का गुणा आप 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब आप इसको अगर जोड़ेंगे तो हो गया 700, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280, ये हो गया 270 और ये 20, 290 घटा दिया हो गया 410। ठीक है, ये बात अच्छा। अब सवाल को क्या करता है, इसी रूप को जो यहां लिखा गया है कैसे करेगा उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। देखिए अब कभी सवाल अगर मान लो इस टाइप से बना दे, ये तो मान लो बेसिक सा उस टाइप से हो गया। अगर मान लो ये ऐसे लिख दे 2/3 4/3 का पावर 10 गुणा 13/12 का पावर 12 गुणे 18/19 का पावर 13 में अभाज्य खंडों की संख्या। सवाल वही है, बातें थोड़ा सा अलग है। देखो यहां ऊपर वाले का ऊपर से करना, देखो अगर इसको उस तरीके से सवाल बनाना चाहो तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 4/4 का पावर 10 गुणा, इसको लिखोगे 13 का पावर 12, इसको लिखोगे 18 का पावर 13 बटे, इसको लिखोगे 3 का पावर भी 10 गुणे, इसको भी 12 का पावर 12 गुणे, इसको भी 19 का पावर 13 लिख सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं भाई, वहीं से काम करना है। ये तो मैं आपको समझा दिया कि सवाल को ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको करना कहां से यहीं से करिए। देखिए चार में कितने, दो दो तो 10 दुना 20, तीन में कितने एक, एक दहा में 10 तो 20 में से 10 गए 10, डायरेक्ट यहां 10 लिखो प्लस 13 का गुणनखंड एक, 12 एक का 12, 12 का गुणनखंड दो दूनी चार तिहाई 12, तो अगर ऐसे लग रहा है तो एक गुणा 12 लिख लो, यानी 12 हो गया। अब इसके लिए माइनस लगाओगे, अब 12 का क्या हो गया, दो दूना चार तिहाई 12, कितने गुणा 3, 3 का 12 में करोगे तो 12 तिहाई 36, चाहो तो माइनस 24 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि इधर वाला बढ़ा रहा था। प्लस 18 का करोगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18 3, तो 3 13 में 39, माइनस एक गुणनखंड 1 13 में 13। बोलो बातें खत्म। अब देखो क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका 12 10 22 और ये हो गया प्लस 39, माइनस लगाओ इन दोनों को जोड़ दो तो ये देखो 36 3 39 10 49 हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। आप देखो कि इधर 22 हो गया और इधर माइनस 10 हो गया, तो 22 में से 10 घटा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही सवाल का, उम्मीद करता हूं समझ में बात आई होगी। ठीक है, तो ये अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करने का इतने तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। ये पांच टाइप हो गया आपका, छठवां टाइप हम शुरुआत करेंगे। देखिए कुछ बची हुई चीजें थी जो डिविजिबिलिटी नियम की थी बातें, थोड़ी देर आपसे चर्चा और करूंगा। देखिए जैसे आप करते हो डिविजिबिलिटी रूल, चलिए आप डिविजिबिलिटी नियम में पढ़ेंगे बच्चा। देखिए क्या है कि
देखिए डिविजिबिलिटी नियम क्या कहता है कि देखिए क्या होता है, जैसे आप कभी कभी 9 का 19 का 29 का 39 का 49 का 59 का 69 का ऐसे अगर डिविजिबिलिटी आप किसी चीज का निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसके पास जीरो वाले में किस में आता है, तो प्लस एक करने पे 10 हो जाता है, प्लस एक करने पे कितना आता है, और यहां आप देखेंगे प्लस एक करने पे कितना होता है 20। तो आप समझिएगा क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर इसको प्लस एक करने पे कितना आएगा 30, इसको प्लस एक करने पर कितना आएगा 40, और इसको प्लस एक करने पे कितना आएगा 50। अब बात समझिएगा, जैसे मान लो उस किसी संख्या को हमको 19 से डिविजिबल करना है और हमें उसकी डिविजिबिलिटी नियम पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेसिक सा बात बताता हूं आपको। मान लो मुझे 361 में 19 से डिवाइड करना है और मुझे 19 का नियम पता नहीं, तो हम बनाएंगे कैसे, तो मेरे माइंड में यह आएगा कि 19 के आगे 20 आता है, 20 आ गया बच्चा, देखो 20 आया, ये जो 2 है इससे गुणा करके प्लस में हुआ है, तो प्लस करते जाओ। देखो मैं समझा रहा हूं, देखो 1 का गुणा आप 2 से किए, 2 1 का 2 हुआ, 2 यहां जोड़ दो, 19 दुना 38। मान लो अब भी मुझे नहीं पता है तो क्या करेंगे, फिर एक अंक को 2 से गुणा करो, 8 दुना 16 और 16 जोड़ दो बच्चे, तो क्या 16 3 19 हो गया, तो क्या 19 से 361 डिविजिबल हो जाएगा, यस हो जाएगा, हुई कि नहीं बात क्लियर। देखो मान लो मुझे किसी प्रश्न में पता चला कि एक सवाल मुझसे पूछा गया कि कोई भी एक अटेंडम संख्या ले लेता हूं मैं, क्या यह 29 से विभक्त होगा, क्या यह 29 से विभक्त होगा, तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना, अब तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि 29 के बाद जो जीरो का नियम है वह 30 में आता है, तो अंतिम के अंक में 3 से गुणा करते चलो और इधर के पक्षों में क्या करते चलो, जोड़ते चलो। देखो 3 से मैंने गुणा किया, आया 6 3 18 जोड़ दिया, 8 7 15 और 8 1 9 9 1 10 और 1805 हो गए। फिर आप किससे गुणा करो, 3 से, क्योंकि 3 से गुणा करके जोड़ना है, तो 5 3 15 जोड़ दो, 5 8 1 9 1 अभी नहीं पता चल रहा है, फिर गुणा करो 3 से, 5 3 15 और जोड़ो 9 5 14 और 1 1 2 और 1 3, तो क्या बताओ 34 29 से विभक्त होगा, नहीं, तो यह संख्या जो है 29 से विभक्त नहीं होगी, क्लियर है। ऐसे ही जब आप 39 का बनाते हो, किसका बनाओगे बच्चे, 39 का भी जब आप बनाओगे तो किससे गुणा करके जोड़ते जाओगे, 4 से गुणा करते हुए बाएं साइड में जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। अगर 49 का नियम, 49 से कोई संख्या तुम्हें काटनी है, देखो सवाल तो परीक्षा में जो बनते हैं, अब 39 तो कर ही सकते थे, 13 3 39, एक तो 13 का नियम लग जाएगा, एक 3 का नियम लग जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, जैसे आप 39 आया तो आप 13 और 3 का 2 नियम ना लगाओ, एक ही नियम में काम बना लो। वैसे ही जब 49 का नियम आएगा तो आप ये 7 और 7 का नियम लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या बताया कि 49 से नियम में 5 का गुणा करके घटा दो। मैं जैसे मुझे पता है कि 98 49 से कटता है, तो तुम क्या करो, इधर का 5 से गुणा करो, 8 5 40 40 जोड़ दो, अच्छा देखो ये 49 आ गया, अब तुम डायरेक्ट देख के मार सकते हो, क्लियर है, बातें समझ में आ गई। चलो ऐसे ही 59 का बना लेना, 69 का बनाना, 79 का बनाना। अब बात हम करेंगे कि ये तो ठीक है, ये तो बातें समझ में आ गई सर, कि 9 में 1 जोड़ने पर 10 आता है, यानी 1 का गुणा करके जोड़ने चला जाना है, 19 में 1 जोड़ने पर 20 आता है, यानी 2 का गुणा करके जोड़ते चले जाना है, 29 में 1 जोड़कर 30 आता है, यानी 3 का गुणा जोड़ते हुए चले जाना है, 39 में 1 जोड़कर 40 आता है, यानी 4 का गुणा करते हुए चले जाना है, 49 में 1 को जोड़कर 50 आता है, तो 5 का गुणा करते हुए जोड़ते चले जाना है। तो मतलब अगर इस नियम को कभी भी इसने फॉलो किया तो कम से कम आप इतना तो, अब भाई 19 का नियम तो तुम्हें पता नहीं होगा,
किस संख्या से 19 कटेगी? किसी संख्या से नहीं, स्वयं से कटती है। हाँ, जब तुम्हें 38 का नियम पता होगा तो जो संख्या 38 से कटेगी वो कंफर्म है, किससे कटेगी? 19 से कटेगी, तब निकाल सकते हो। तो अब बात समझना, अब देखिएगा समझ पाए क्या होता है। अब जैसे मैं करूं अगर बात आपसे कि भाई साहब 11 का नियम, मैं करूं 21 का नियम, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, 81 का, अगर इस नियम करें तो इसमें से क्या घटाने पर 0 आएगा? तो आप कहेंगे एक घटाने पर 10 आ जाएगा, यहां भी एक घटाने पर 20 आ जाएगा, यहां भी एक घटाने पर 30 आ जाएगा, यहां भी एक घटाने पर 40 आ जाएगा, ऐसे करके एक एक घटा के मेरे पे 0 आएगा। अब नियम कैसे बनाओगे? अब समझ गए होगे नियम कैसे बनाना है कि अगर 21 का नियम हमसे पूछा, जैसे मान लो मैं ले लिया 441, आप लोग बड़ी संख्या से भी कर सकते हो, सवालों में हम इसका यूज करेंगे, देखना। अब 2 से गुणा करके घटाते जाना है, आप चलो यहां 2 से गुणा करो, 2 एक का 2 घटा दो तो कितना गया 42, फिर 2 से गुणा कर दो, 2 दुना 4 और ये 4 घट गया, यानी 0 आ गई तो संख्या तो प्योर रूप से क्या होगी, कट ही जाएगी। तो बताओ समझ पाए क्या? अगर मुझे 31 का नियम लगाना है, 31 का मान लो मुझे 992 में देखना है कि क्या यह 31 से कटेगा, तो आपको पता है एक घटाना है तो 3 से मल्टीपल करना है, तो 3 का गुणा किया, 3 दुना 6 घटा दो तो यहां बच गया 93, अभी भी नहीं पता चला है, फिर 3 से गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 घटा दो और जब 0 आ जाए तो आपको पता है ना कि जब 0 आएगी तो संख्या तो इससे कट ही जाएगा। क्लियर हो गई बात? बोलिए कोई दिक्कत है? एक भी परसेंट का दिक्कत नहीं। तो समझ पाए बच्चे कि अगर 41 का निकालना हो, 51 का निकालना हो, 61 का निकालना हो, 71। अब जैसे कई बार देखो 1001 का नियम पूछा जाता है, कई बार 101 का नियम पूछा जाता है, कई बार देखो ऐसी संख्याएं जो लगातार बार बार 6 बार आ जाती हैं उन्हें 1001 से काट सकते हैं। ये सब चीजें हम चर्चा आपको सवालों के थ्रू करेंगे, बातें आप लोग जानते रहिए कि क्या क्या होता है। जैसे देखिए आप 11 का नियम जानते ही हैं, 11 का कि अगर कोई संख्या 2, 4, 2 ऐसे लिखी है तो इसका इसका योगफल इससे डिफरेंस पे घट जाता है, यानी 2, 2, 4, 4 में से 4 गए, ये 2 अंक ही है तो एक एक बनाते हैं ना, एक इधर से, एक इधर से, एक एक, एक एक। यही बात जब एक एक 101 से रहेगी तो इधर से बनाएंगे बच्चा, वही काम करेंगे, 2 जोड़ा, जैसे मान लो मैं कहूं 202 है, ठीक है, तो मैंने 2 जोड़ा लिया, इसको ले लिया, अब इसको इससे घटा देंगे, कुछ और रहेगा तो जोड़ के घटाएंगे, ठीक, तो घटा दिए तो आगे क्या बात, 0, यानी ए संख्या भी 101 से कट जाएगी। इसी तरीके से यहां 2 का जोड़ा, फिर अगर 1001 रहेगा तो हम इधर से किसका जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, देखो 1, 2, 3 का जोड़ा, 3 से, जैसे मैं कहूं क्या यह संख्या, देखो 1, 2, 3 इधर मैंने 4 लिख दिया, क्या ऐसे कटेगी? अब आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ के घटाएंगे तो कटेगी नहीं। तो आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 11 में हम किसका डिफरेंस देखते हैं, एक संख्याओं को लेकर, 101 में किसका डिफरेंस देखते हैं, 2 संख्याओं को लेकर, तो 1001 में किसने के देखेंगे, 3 का। अगर मुझे 10001 को देखना रहेगा तो कितने लेंगे, 1, 2, 3, 4 का लेंगे। क्लियर हो गया? जितनी संख्या यहां बीच में बढ़ती जाएगी
उतने संख्या का प्रोग्राम हम यहां से फिक्स करते जाएंगे। यह कहता है नियम। सवालों में इसको बहुत जरूरत है। मुख्य सवाल देखो 1001 है, क्योंकि 7, 13, 7, 11, 13, 1009, 1001। देखो जैसे 6 संख्याएं लगातार कोई आ गई, 2, 3, 2, 3, 2, 3, मान लो ये संख्या आ गई, ठीक है, 6 संख्याएं लगातार आ गई। अब 6 संख्याएं जब भी लगातार आ गई तो आप बिना सोचे क्या करोगे कि 7 से 11 से 13 से और 1001 से डिविजिबल है। 6 संख्याएं कोई भी हो, यदि वह लगातार आ गई तो आपको यह दिमाग में रख लेना है, परीक्षाओं में वहां निकालना नहीं है, पता नहीं किससे काटोगे। तो आपको दो बातें हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली बात, ये 6 संख्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और इसके बाद ये किससे किससे विभक्त होगी। तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या 13 और चौथी संख्या 101001। अब देखो 1001 को देखना है तो क्या करोगे, 3 का जोड़ा बनाओगे। देखो 3 का जोड़ा बनाए, बना लिया, इसको आपस में घटा दो। जब घटाए तो क्या है भाई साहब, तो नहीं तो आया। यानी जब ऐसी संख्याएं शून्य आ गई तो यानी वह तो 100% उससे क्या होगी, कट ही जाएगी, क्योंकि कटने वाली संख्या का जो रिमाइंडर होता है वह सदैव शून्य होता है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। रिमाइंडर कितना होता है, शून्य। अब हम चर्चा करेंगे गुणनखंडों पर। ये था डिविजिबिलिटी नियम। जब अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे तब आपसे 49 का नियम, 69 का नियम, 89 का नियम, 82 का नियम पूछा जाएगा, और जब सिंपल पूछे जाते हैं तब तो 13, 12, 14 से आप काम चला लोगे। चलिए चर्चा करेंगे गुणनखंडों की। किसकी चर्चा करेंगे, गुणनखंडों की। देखिएगा देखो, गुणनखंड और गुणज दो बातें होती है। 8 का गुणनखंड क्या होगा, ऐसा संख्या जो इसको पूर्णतः विभक्त कर दे गुणनखंड कहलाती है। देखो 2 × 4 × 8, ठीक है, इसे आप इंग्लिश में जान लो, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है कि ये फैक्टर हो जाता है और ये मल्टीपल हो जाता है। तो 8 का अगर गुणज करोगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, डॉट डॉट डॉट। यानी 8 के मल्टीपल में अगर संख्याएं आ रही हैं तो वह गुणज है, और 8 के अगर फैक्टर में संख्याएं आ रही हैं तो वह क्या है, गुणनखंड। ये बात आपसे पूछेगा नहीं, बेसिक है, जान लो। क्या पूछेगा उसकी चर्चा मैं आपसे अभी करता हूं। अब आपसे पूछा क्या जाता है समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो समझना मेरी बात को, थोड़ी देर और समझाता हूं। ये देखो, अगर मान लो एबीसी 3 संख्याएं, एबीसी क्या है, 3 संख्याएं हैं, और इसके पावर पी क्यू आर, कुछ भी और हो सकता है, ABCDEFG भी हो सकता है, अधिकतम 3 मल्टीपल होते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो हमारा फॉर्मेट होता है वह होता है P+1 × Q+1 × R+1। अभी मैं थोड़ी देर आपको समझाता हूं, लेकिन अब बात आई कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड में दो बातें होती हैं, एक तो होता है सम गुणनखंड और एक होता है विषम। तो आप सम पूछेगा तो क्या करोगे, तो सम गुणनखंड में बच्चा क्या करोगे, पी, पी माने पावर जो ऊपर वाला है ए वाला, गुणा क्यू प्लस वन गुणा आर प्लस। अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछे
कितना पूछे, विषम गुणनखंड पूछे, तो एक गुणा क्यू प्लस वन गुणा आर प्लस, मुख्य बातें ये बात आप याद रखें जरूरी। अब सवाल को देखें, मैंने कहा कि 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या, जब आप यह न तरीका न जानो तो क्या करोगे, देखो 24 लिखोगे, किससे किससे कटेगा, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से, आठ से, बारह से और खुद अपने से, तो कितने गुणनखंड हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो मान लो एक आंख छूट गया होगा तो ठीक है, नहीं छूटा होगा तो कोई बात, चलो देखो भाई, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छह से कटेगा, आठ से कटेगा, बारह से कटेगा और चौबीस से कटेगा। क्लियर हो गई, अब बात को समझना। अगर मैं 24 का गुणनखंड जानता हूं कि दो दुना चार, तियाई बारह, दुना चौबीस, यानी दो तीन बार आ गया, ध्यान देना, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, तो दो की घात कितनी, तीन, तीन की घात कितनी, एक। मैंने आपसे क्या बताया, अगर कुल घात निकालनी है तो घातों को जोड़ के गुणा कर दो, तो करो बच्चा, तीन एक चार गुणा एक एक दो, तो क्या मेरे पास उत्तर आया आठ, क्या, तो देखो यहां से भी आठ हजार। तो ये तो छोटे सवालों के लिए, कभी 1080 का गुणनखंड पूछ दे तो ऐसे करोगे, जरा बताओ, उलट जाओगे ले लाके। देखो आप इसमें सम संख्या की बात पूछे, किसकी बात पूछेगी, सम संख्या की। अब सम देख लो, पहले छोटे सवाल शुरुआत किया हूं, अभी बड़ा लेकर समझाता हूं। देखो सम क्या क्या हो गया, दो हो गया, एक, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, बारह हो गया, चौबीस, कितनी हो गए, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो सम कितने हो गए भाई, सम हो गए छठो। आप बताओ, सम में आओ, p माने पावर, पावर कितना, तीन, आगे जोड़ देना है एक प्लस एक, तो तीन दूना एक सेकंड का हो गया काम। अब आपसे अगर बच्चा विषम पूछे, अगर आपसे विषम पूछे तो आठ कुल आ छठ ही, तो बचा दुई थे भाई, दुई हुई एक और दो, ठीक है। चलो अब यहां से विषम निकाल लो, विषम निकालो, एक डायरेक्ट गुणा एक प्लस एक, एक प्लस एक होता है दो, तो कुल हो गए कितने, ये हो गए गुणनखंड। अब सवाल समझिए कि जो सवाल इस बार सिंपल परीक्षा यानी यूपी टेट का आया हुआ है, मैं उसको आप कराता हूं पहले, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं, देखिएगा। अरे अरे देखिए क्या पूछा है यूपी टेट में, मैं आपको बताता हूं, पहले उसको देख लो तुम लोग। 100 कितनी संख्याओं से, कितनी सम संख्याओं से विभक्त होगा, ठीक है, 100 कितनी सम संख्याओं से विभक्त होगा। आप देखिए 100 कितनी सम संख्याओं, अब बात आई थी इसको लगाने का तरीका, अगर जो लोग ये जानते होंगे वो तो तुरंत लगा देंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे, पहले नहीं जानने वाले की बात करता हूं, अभी 100 पे चल रहा हूं मैं, 24 से डायरेक्ट 100 पर आया मैं, दो से कटेगा, चार से कटेगा, पांच से कटेगा, छह सात आठ नौ दस से कटेगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा और, तो कितनी संख्याएं हो गई बच्चा, एक, दो, तीन, चार, पांच,
छः सात आठ नौ संख्या। अब भाई सौ का गुणनखंड क्या होता है जरा बताओ, दो से किए, दो दूनी चार, भाई चार हो गए, पच्चीस बचा, पांच गुणा पांच, तो दो की कितनी घात, दो और पांच की कितनी घात। टोटल अगर पूछा गया होता तो मैं क्या करता, घात में एक एक जोड़ के गुणा करना है, तो दो एक तीन, दो एक तीन, तीन त्रिक्का, तो देखो यहां से कुल कितने संख्या आई इसमें और इसमें, जरा अंतर देखो। अभी 1080 की बात मैं करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगी कि कितना अंतर, आप देखो। लेकिन ये तो पूछा नहीं कि टोटल बता दो, आपसे सवाल में पूछा था केवल क्या सम संख्या, तो सम देखो एक दो तीन चार पांच और छह, छठ सम संख्या हो गई। सम संख्या कितनी हो गई जरा बताओ, छठ। और मैं सम के लिए आपको क्या बताया कि केवल हु बहु पावर गुणे आगे वाले पावर में प्लस वन, तो द्वितीय ही छ, तो सम हो गई छ। अगर मैं बात विषम करता तो एक गुणा आगे दो प्लस एक, तो तीन एक का ये तीन ये छह, बात हो गई क्या। तो ऐसे आसान सी बातें करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह वाला मेथड बहुत कठिन हो जाता है जब आप पढ़े नहीं रहते हो, जाते हो परीक्षा में बैठ जाते हो, तो पहली बार आप ऐसे ही लगाओगे ना अगर जान रहे हो तो। लेकिन लगाना कहां तक है ये वाली बात, तो मुख्य बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, अगर टोटल नंबर निकालना है गुणनखंडों की तो याद रख लो टोटल नंबर पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन। पी क्यू आर क्या है, यहां पर पावर है, पी क्यू आर का मतलब क्या है, घात है। सम गुणनखंड निकालनी है तो पी क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, पी क्या है मैं बार बार बता रहा हूं, पी क्यू आर यहां पर पावर है। विषम गुणनखंड निकालना है तो यहां पर एक और एक, क्यू प्लस वन और यह आर प्लस वन पे चर्चा करें, ठीक है। अब बात आई 1080 की करता हूं, देख देख भाई 1080 है तो अब आप एक दो कर लेना, वो मैं करूंगा नहीं। दो पच्चे दस चालीस, दो सत्ताईस चौवन, दो तेरह साढ़े तेरह 135, तीन पैंतालीस, तीन पंद्रह, तीन पच्चे और पांच इक्का। तो आप देखोगे दो की घात दो, सॉरी दो की घात तीन, तीन की घात तीन और गुणे पांच, बस इतने की जरूरत है। गुणनखंडों की संख्या, चलिए मैंने क्या बताया, कुल गुणनखंड पावर में एक एक जोड़ दो, तो टोटल हो गया फैक्टर तीन प्लस एक गुणा तीन प्लस एक गुणा एक प्लस एक, तो ए चार गुणा दो, तो चार चौका सोलह दुना कितने गुणनखंड हो गए 32। तो करने में तो पूरा व्हाइट बोर्ड ही भर जाता मेरा, थोड़ का होता है 32। अब चलिए बात को समझिए बच्चा, तो ये हो गई टोटल। अब सम का क्या हो जाएगा, इवेन फैक्टर, भाई साहब इवेन फैक्टर मतलब सम संख्या का गुणनखंड, तो क्या है पी तीन गुणा बाकी वही तीन प्लस एक और एक प्लस एक, तो तीन गुणा तीन एक चार गुणा दो, तो चार तीन बारह दुना चौबीस की। अब भाई विषम पूछे तो यहां से घटा भी देना आठ हो, यानी विषम कितना बचेगा, ऑड ऑड फैक्टर बचेगा आठ, कैसे, तो वन गुणे तीन प्लस एक गुणा वन प्लस एक, तो तीन एक चार गुणा एक एक दो, तो चार दुना आठ। तो देखिए भाई पूरी बातें मैंने आपको समझा दी,
अब जितने भी ऐसे प्रश्न आपको कभी भी मिले कि गुणनखंडों की संख्या क्या निकालनी है, एक एक जगह नोट डाउन कर लेना जो यहां पर मैंने बातें लिखी थी, इसी पे आपका काम हो जाएगा। समझ बात आ गई? चलो चलिए दोस्तों, जो योगफल वाला मैटर है वो हम कल बातें करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।